प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेलफेयर क्लब के सिविल लाइन स्थित कार्यालय में प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेलफेयर क्लब के अध्यक्ष आलोक सिंह का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस दौरान प्रयागराज के सभी मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट के अलावा कई सामाजिक संगठन के पदाधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ता और शहर के नामचीन डॉक्टरों ने क्लब पहुँच कर उनके लंबी उम्र की कामना किया। देखिए हमारे अध्यक्ष आलोक जी, उनका आज जन्मदिन है और हम लोग बहुत खुश हैं कि साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि हम उनका जन्मदिन मनाएं। और आज हम सभी लोगों ने, क्लब के इतने सदस्य थे और भी पत्रकार साथी, सब मिल करके हम लोगों ने जन्मदिन मनाया, उनको मुबारकबाद दी और हमारी ये कामना है कि वो इसी तरह से खुश रहें और खुर्रम रहें और इसी तरह से वो क्लब की जो है वो सरपरस्ती करते रहें, क्लब की सेवा करते रहें। उन्होंने बहुत कुछ किया भी है तो हम सब लोग जो है उनको जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद दे रहे हैं। आलोक सिंह जी के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो मेरे परम मित्र हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। आज उनका जन्मदिन है और हम क्लब के सभी साथी उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हर साल होते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि उनके जीवन में हर बार खुशियाँ आएँ और उन्होंने क्लब के लिए जो योगदान किया दिया है उसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे और वो आगे भी इसी तरह से उन्नति करें, प्रगति करें, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। देखिए आज आलोक सिंह का जन्मदिन है। आलोक हमारे साथ यूनिवर्सिटी के समय के साथी हैं और लगातार 20 से ज़्यादा साल हो गए हैं उनसे हमारे साथ के, और उसमें सेतु की भूमिका सर्वे जी कभी कभी निभा देते हैं बीच बीच में। तो जो उनका जन्मदिन है तो हम सबके लिए खास है और हम सब इकट्ठा हुए हैं। बड़ी मुश्किल बात यह है कि इतने सब लोग, सारे लोग एक दिन एक साथ इकट्ठा हो जाए, वो भी माघ मेले के समय, तो ये एक बड़ी बात होती है। उनके जन्मदिन के बहाने न सिर्फ हम लोग सब लोग आपस में मिल लेते हैं, खुशियाँ मना लेते हैं, अपने सुख दुख बाँट लेते हैं, बल्कि जिस तरह से उन्होंने क्लब के लिए जो काम किया है उसके लिए उनको हम लोग धन्यवाद भी देते हैं और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी, उनको भगवान जो है वो शतायु बनाए, दीर्घजीवी हो, और इसी तरह से जिस तरह से क्लब के लिए उन्होंने काम किया उनके योगदान को भी हम लोग हमेशा याद रखेंगे।